हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास डी एम्पलीफायर जो कि 2200 वाट का होगा उसका सर्किट मैं आपको आज आपको बताऊंगा। ये फ्रेंड्स IRFP 260 260 मॉस्फेट का एक पेयर लगा हुआ है। ये जो PCB है फ्रेंड्स, ये नीचे इसके मॉस्फेट लगते हैं। ये आप देखिए, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये इस तरह उल्टे हो जाते हैं और हीट सिंक जो है वो इसके नीचे लगती है। लेकिन मैंने थोड़ा इसकी सेटिंग की है थोड़ा अलग। ये आप देखिए, ये वायर लगाया हुआ है इधर से, जिससे कि ये मेरे पास इस टाइप की हीट सिंक थी तो ये इसको मॉस्फेट निकालने में डालने में आसानी हो जाती है। दूसरा थोड़ा कन्वीनियंट रहती है, पीछे से मॉस्फेट लगाने में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने ये सिंगल पेयर इसका यहाँ लगाया हुआ है। तो आप इसमें दो मॉस्फेट इस साइड में लगा लें इधर, और दो इधर लग जाएंगे और यहाँ पर हीट सिंक लग जाती है पूरे में, तो उससे ये फिर 2200 वाट का मॉस्फेट एम्पलीफायर बन जाता है। दूसरा, ये आप कोर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये EI कोर है। इसमें ये गैप देख रहे हैं आप। इस कोर को मैंने बनाना आपको बताया हुआ है कई वीडियो में, मेरे इस कोर को बनाना मैंने बताया हुआ है। तो आज का डिस्कस तो खैर इसका सर्किट है, तो सबसे पहले सर्किट देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे जो स्टेप है उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट है इसका, और इस सर्किट में फ्रेंड्स देखें आप, केवल 3 IC का यूज हो रहा है। ये आप देखिए, ये TL071 है, ये CD4049 है हेक्स इन्वर्टर, और ये IRS2110 2110, ये MOSFET ड्राइव IC है, हाफ ब्रेंज MOSFET ड्राइव IC है। ये 14 पिन की IC है फ्रेंड्स। तो अब जैसे ये सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें MOSFET का एक पेयर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हमें, ये 1100 वाट है, अब इसको हमें 2200 वाट का बनाना है, तो हमें इसके लिए क्या चेंज करना होगा। तो फ्रेंड, इसमें एक पेयर MOSFET और ऐड करना है, वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो बस इसमें करना क्या है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम की है, ये जब दो पेयर लगाएंगे हम तो ये रेजिस्टेंस फ्रेंड्स हम कर देंगे 47 ओम। तो ये कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, और ये जो डायोड है ये इस तरह से आ जाएगा, और ये MOSFET का गेट, और ये इस तरह से फ्रेंड्स, और दूसरा, और ये डायोड। ये फ्रेंड्स डायोड हम उल्टा क्यों लगाते हैं, ये 47 ओम है, 47 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ, एक पेयर और लगाएंगे और 47 ओम का रेजिस्टेंस इसमें हम लगाएंगे। और अगर सिंगल पेयर अगर हमें MOSFET यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो हम इसमें 2200 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ यहाँ करेंगे, डायोड तो वही रहेगा। डायोड हम फ्रेंड्स 41 का इसमें यूज़ करते हैं। ये फ्रेंड्स डायोड इसलिए लगाया जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये जो इस IC से ये 21 से जो सिग्नल आता है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस गेट पे जाता है। लेकिन MOSFET जो है वो उल्टा, ये जो डायोड है वो उल्टा लगा हुआ है। इसका कारण ये है, MOSFET में कोई भी MOSFET होता है फ्रेंड्स, तो उसमें एक कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि इंसुलेट गेट होता है तो बीच में एक मटेरियल होता है, उसके कारण से इसमें कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। तो उस कैपेसिटेंस को हटाने के लिए, यानी उस चार्ज को हटाने के लिए ये डायोड जो है रिवर्स बायस में लगा होता है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको सिग्नल दिया जाता है, यानी कि MOSFET ऑन होता है, और इस डायोड के थ्रू जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए इन दोनों का ही काम बहुत ज़रूरी है और दोनों ही लगाने चाहिए। कुछ सर्किट में मैंने देखा है कि केवल रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के अलावा भी हमें ये डायोड भी लगाना है। दूसरा फ्रेंड्स, इस सर्किट में आप देख रहे होंगे एक प्रॉब्लम है या एक कमी है, वो ये है कि यहाँ पर जो गेट और सोर्स के बीच में फ्रेंड्स, एक हमें 2.2K की रेजिस्टेंस लगानी है। चाहे तो आप 4.7K की लगा सकते हैं, चाहे तो हम 2.2K की रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये फ्रेंड्स
ये लगाएंगे हम 2.2 के की, ये रेजिस्टेंस एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक हम यहाँ लगाएंगे, ये 2.2 के हो सकता है और 4.7 के भी हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसलिए होता है जिससे कि फाल्स ट्रिगर मॉस्फेट ये ना हो, यानी कि जब सिग्नल आए जब ये ऑन हो, इसके अलावा ये ऑन ना हो, इसलिए हम इसको लगाते हैं। अब थोड़ा सर्किट हम समझ लेते हैं इसको, और उसके बाद में कुछ स्टेप और है। एक इसमें फ्रेंड्स ऑक्सिलरी हम सप्लाई देते हैं, वो आपको ये दिख रही होगी, ऑक्सिलरी जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स उसका जो तो नेगेटिव होता है ऑक्सिलरी 12 वोल्ट का, वो हम इसके नेगेटिव पे लगाते हैं। जो मेन सप्लाई होती है डोल सप्लाई, वो इसके नेगेटिव में ही नेगेटिव जोड़ते हैं, ग्राउंड से नहीं जोड़ते, ठीक है। और जो पॉजिटिव होती है वो हम 21, 10, 40, 49 इन दोनों को जो पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, ऑक्सिलरी सप्लाई है, वो इन दोनों आईसी को इसी से दी जाती है। अब इसमें फ्रेंड्स एक इस पीसीबी में आप देख रहे होंगे, ये एक सेक्शन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का लगा हुआ है, ये इतना बड़ा, ये देखिए आप ये वाला जो है, और शॉर्ट सर्किट को सोन सेंस करने के लिए फ्रेंड्स ये हमारे 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 0.1 ओम के, 2 वाट 0.1 ओम, ठीक है फ्रेंड्स, 0.1 ओम 2 वाट के ये हमारे 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, ये आप देखिए ये पैरेलल में लगे हुए, और यहाँ से ही ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या ओवर करंट को सेंस करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सर्किट है शॉर्ट सर्किट का, तो इसमें एक आईसी 555 लगी हुई है और एक एलएम 311 लगी हुई है। तो फ्रेंड्स उसका मैं सर्किट आपको अलग से दे दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ से सिग्नल चलता है, ये हमारा ओपेम है TL071, इसमें एक ओपेम होता है, तो 2 नंबर पिन पे हम इनपुट देते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए जो सप्लाई है, जो हमारी मेन एम्पलीफायर की सप्लाई है, जो लगभग 70 से 80 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो उसी सप्लाई से हम इस आईसी को लिए एक अलग से सप्लाई बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे 8.2 के और 1 वाट या 2 वाट की रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ये मैंने लगाई हुई है 4.7 के, ये 4.7 के फ्रेंड्स मैंने लगाई हुई है लगभग 50 से 60 वोल्ट के लिए। अगर इसको आप 80 वोल्ट तक ले जाते हैं तो 8.2 के की रेजिस्टेंस आप इसमें यूज़ करें, और अगर 50-60 वोल्ट के लिए है तो 4.7 के और 2 वाट की रेजिस्टेंस, एक ये लगी है एक ये लगी है, ये स्पेशल सप्लाई बनाई जाती है इस आईसी को रन करने के लिए। और इसमें जीरो डायोड का यूज़ होता है, ये आप जीरो डायोड देख रहे होंगे फ्रेंड्स, और ये जीरो डायोड है 5.6 वोल्ट के, इसमें एक पीएफ लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है 330 माइक्रोफेरेड या 220 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का, ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। जो हमारी ये जो है सर्किट फ्रेंड्स, ये सेल्फ ऑसिलेटिंग का सर्किट है। ये आप देखिए यहाँ से आप एक फीडबैक लिया जा रहा है, ये यहाँ से इनपुट में, और फ्रेंड्स ये जो है ये एक तरह का ऑसिलेटर का काम करता है, 1 नैनो 1 नैनो और ये 1K। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स ये 250 पे ऑसिलेट करता है, अगर 470 या 500 ओम कर देंगे तो ये 500 किलोहर्ट्ज़ पे काम करता है, लगभग 500 किलोहर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट होता है। IRFP 260 के 2 पेयर मॉस्फेट का यूज़ करते हैं, तो इसको 50 से 60 वोल्ट पे 2 ओम पे आप इसको चला सकते हैं, लेकिन 50 वोल्ट से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं तो करंट इन मॉस्फेट की जो करंट है वो और ज़्यादा लोड बढ़ता जाता है, तो उससे ये ख़राब होने के चांसेज रहते हैं। तो 50 वोल्ट पे और IRFP 260 पे इसको आप 2 ओम पे 2 ओम पे रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप IRFP 250 का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो आप इसको 4 ओम पे रन करेंगे, उससे कम पे करेंगे तो ये मॉस्फेट आपके ख़राब हो सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ये IRS 2092 है, ये SMD पैकेज है, इसके भी वीडियो काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, उनको आप जाके देख सकते हैं। ये है
IRS 2092। और ये सिंगल आईसी को जब हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो लगभग 400 से 500 वाट का एम्पलीफायर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ये ट्राइस्टर ऐड कर देते हैं तो हम 2 से 3 पेयर मॉस्फेट के यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो ट्राइस्टर है वो है BC 327 और 337, लेकिन इसकी जगह हम यूज़ करेंगे BD 139 और 140 का दो एक पेयर। तो उनको आप आसानी से 2 से 3 पेयर मॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं और लगभग 2 से 3 हज़ार वॉट की एम्पलीफायर इसको बना सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे ऐड करते हैं और इस सर्किट में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, और मेरे वीडियो आप देखते रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।